भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में आज एक महिला ने काफ़ी शोर शराबा किया, जिसके चलते पूरा अस्पताल महकमा में भूचाल सा आ गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि एक महिला निवस्त्र होकर पागलों जैसी हरकत कर रही थी। जो भी उसे मना करता था या कपड़ा देने के लिए जाता था, वह ईंट पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ती थी। फिर उसके पास निवस्त्र ही आने लगती थी। महिला पुलिस की मदद से उसे सेकेराइटिस चिकित्सक से इलाज कराया जा रहा है। अभी वह महिला JLNMCH अस्पताल में ही भर्ती है और इसका इलाज व खाने पीने की व्यवस्था यहीं पर कर दी गई है। वहीं अधीक्षक असीम कुमार दास ने यह भी बताया कि सूत्रों से पता चला है कि इस महिला को नवगछिया पुलिस ने यहां इलाज के लिए लाया था, उसके बाद उसे छोड़कर चलता बना। अभी युवती का इलाज सेकेराइटिस से चल रहा है, अभी सब कुछ सामान्य है। के द्वारा खबर मिली कि एक महिला जो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर और पागलों जैसी हरकत कर रही थी, जो भी उसको मना करता या कपड़ा देने का प्रयास करता वो उसकी ओर दौड़ती चली आने की आ रही थी। इसलिए जो है कोई उसके पास जा नहीं रहा, तो तत्काल जो है वो महिला पुलिस के लिए थाना को खबर किया गया। महिला पुलिस भी आई। महिला पुलिस आने के बाद जो है किसी तरह से उसको कंट्रोल किया गया। कंट्रोल करके अब वो कहाँ से आई है अज्ञात है, किसने लाया ये भी नहीं पता हम लोगों को। हम लोगों ने उसको साइकेट्रिक विभाग में जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनसे उनका इलाज करवा के और दवाई दे के उसको अपने यहाँ रख लिया है, तत्काल भर्ती कर लिया है। बाद में पता चला कि शायद वो नौगछिया से किसी पुलिस के साथ लाई गई थी और पुलिस जो उसको छोड़ के चला गया, पुलिस वाले ही छोड़ दिया। हाँ, ये बाद में मुझे मैंने सुना कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा ही। हाँ, वो अब जो है उसको उसके पास अगर कोई मना करता कि कपड़ा पहन लो या कुछ इस तरह का, तो वो पागलों ऐसी हरकत करती, ईंटा पत्थर चलाने लगती लोगों के ऊपर, उसी में शीशा भी टूटा होगा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।